आपने की है हिस्ट्री भी है, रिलीजियस स्टडी भी है। ये देखिए, आपने मिनिमम वन स्कूल सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए, और हिस्ट्री ज्योग्राफी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही चाहते हैं, तो आप इसके बेस पर एसएसटी के लिए एलिजिबल हो। रिलीजियस स्टडी 13 सब्जेक्ट जो एनसीटी ने दिए हैं उनमें से एक है, जो पीछे बता के मैं आऊँ किसी वीडियो में, तो आप एसएसटी लीजिए। उसके साथ आप इलेक्टिव पंजाबी आप पढ़िए, तो एसएसटी एंड पंजाबी आपके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन है दोनों के लिए। आप पोस्ट ग्रेजुएशन की है, ये मैंने नहीं पढ़ा, एमए, सर एमए पंजाबी। देखिए, आप एसएसटी एंड पंजाबी लेते हैं तो पंजाबी के लिए आप टीजीटी के लिए भी एलिजिबल हो रहे हो, और पीजीटी के लिए भी एलिजिबल हो रहे हो, और एसएसटी के लिए आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हो रहे हो। तीन आपकी एलिजिबिलिटी बनती है, ठीक है। थैंक यू। एज आपने बताई है, वो आपको देखना पड़ेगा कि जब पोस्ट निकलती हैं तो वो रिलैक्सेशन देते हैं, कितनी देते हैं उसके मुताबिक देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल में आपकी काफ़ी है अभी, लगभग 37 तो होती है, कई बार रिलैक्सेशन दे के 43 कर दी जाती है। थैंक यू। 42 या 43, थैंक यू।